ऐसा है भाई, साइंस देख ली थी आप क्या कर रहे हैं। इन्होंने ये गेहूँ की बोरियाँ रखी थी तो इससे ये सारे गेहूँ गिरा दिया, इसने फैला दिया इन्होंने, और अब उन्हें समेटने के बजाय ट्रक में भरकर देखिए सभी जगह और फैला रहे हैं। ये 10 के बराबर अकेले ही हैं, सारा काम उनको बना देते हैं सारा, तो बस इसी में हम लगे रहते हैं समेटने करने में। तो चलिए चलते हैं, इसको कर लेते हैं साफ, समेट लेते हैं और इसके बाद करते हैं अपना काम। और देखिए ये फिर से फैलाने लगे हैं, कह रहे हैं हम फैला दे रहे हैं। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, नमस्ते, कैसे हो आप सब? आई होप सब बहुत 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 अच्छे होंगे। तो मेरे बड़ों को प्रणाम, छोटों को ढेर सारा प्यार, कैसा हमारा पूरा परिवार? तो वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो देखिए हमारे ब्लॉग की शुरुआत सुबह की साफ सफाई से हो गई है। तो छोटे आज ही स्कूल नहीं गए थे तो घर में पूरा बिखेर दिया है। पूरे घर को इन्होंने ऐसे ही खेल खिलौनों से बिखेरते ही रहते हैं। तो देखिए मैंने सारा सामान समेट कर रख दिया है और इसके बाद लगा लेती हूँ फटाफट से झाड़ू, और इसके बाद फिर पोछा, और फिर इसके बाद जो डस्टिंग होती है जहाँ तहाँ की तो वो भी कर देंगे। तो चलिए लगाते हैं झाड़ू। और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो ब्लॉग में बने रहिएगा, मिलती हूँ आपसे झाड़ू लगाने के बाद। देखिए हमारा झाड़ू लग गया है, तो आ गए हैं डस्टिंग करेंगे। थोड़ी बहुत जो होती है धूल जम जाती है यहाँ कहीं कहीं, जैसे फ्रिज है और ड्रेसिंग टेबल है इन सब के ऊपर, तो वहाँ की साफ सफाई इस तरीके से पोछा गीला करके सभी जगह की डस्टिंग कर देंगे, पोछ देंगे तो साफ़ हो जाता है। वरना अगर नहीं साफ़ करो तो फिर बहुत ही ज़्यादा धूल जम जाती है, क्योंकि हमारे बाहर जो है ना रोड कच्ची हो गई है खोदने की वजह से, पाइप डले हैं तो बहुत ज़्यादा मिट्टी वाली धूल उड़ती है एकदम, तो पूरी जगह धूल धूली हो जाता है और खुला खुला सा हमारा पूरा घर है। तो देखिए सभी जगह इस तरीके से साफ सफाई कर देते हैं, और इस तरीके से सभी जगह जो है रोज़ पोछ दो तो ज़्यादा डस्ट नहीं जमती है, वरना बहुत ही ज़्यादा पर डस्ट जम जाती है। तो मैं इसी तरीके से डेली अपने घर की क्लीनिंग कर देती हूँ, रो रो है तो एक दो दिन में पोछ देती हूँ, डेली नहीं। लेकिन ये जो ड्रेसिंग टेबल है और ये बाकी चीज़ें हैं फ्रिज वगैरह यहाँ तो बहुत ही ज़्यादा धूल होती है, तो उसको मैं डेली क्लीन कर देती हूँ। उसके बाद देखिए अंदर का झाड़ू वगैरह डस्टिंग सब करके आ गई हूँ, तो ये जो गेहूँ फैला दिए थे मेरे बच्चे ने उनको समेट लेते हैं। तो यहाँ भी झाड़ू लगा दी हूँ, उसके बाद पोछा लगा देती हूँ। इसके बाद अंदर लगाएंगे पोछा, तो अंदर पोछा वाला मंजिल कैसे मेरे से मिस हो गया है मुझे आपको दिखाने का, आप ये मत पूछिएगा कि अंदर मुझे पोछा लगाया है तो मिस हो गई है। लगा देते हैं और उसके बाद चलते हैं कोई दूसरा काम करेंगे। तो देखिए हमारा पोछा भी यहाँ का कम्प्लीट हो गया, बाहर भी हो गया, और चलेंगे नहाने को। जो कपड़े थे कपड़े पे लेकर आ गए हैं, आ गए हैं नहा होकर। तो देखिए आपको दिखा देती हूँ, इसी तरीके से मैं अपने घर की रोज डेली सुबह साफ सफाई करती हूँ। मुझे 1 से 2 घंटे लग जाते हैं। तो अगर आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, बाय बाय, टेक केयर, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। देखिए सभी जगह मैंने पूरी साफ सफाई कर दी है।